90 के दशक में कई फिल्में ऐसी रही थी जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था। कुछ लव ड्रामा तो उस दौर में ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। ऐसी ही एक फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। करिश्मा कपूर और आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म की जब भी बात आती है तो इसमें लीड पैर के किसिंग सीन को लेकर हमेशा ही चर्चे होते हैं। फिल्म के निर्देशक धर्मेश दर्शन हाल ही में इस सीन को लेकर कुछ खास बातें शेयर की हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी का किसिंग सीन आज भी मोस्ट रोमांटिक सीन में गिना जाता है। करिश्मा कपूर और आमिर खान के लिए ये सीन शूट करना इतना आसान नहीं था। बता दें कि इस सीन की शूटिंग के दौरान 47 रीटेक हुए थे। एक मिनट के सीन के लिए बबीता भी बेटी के साथ सेट पर ही थी। फिल्म राजा हिंदुस्तानी 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। फिल्म में करिश्मा और आमिर ने लीड रोल प्ले किया था। इस रोमांटिक ड्रामा का बजट 5.7 करोड़ रुपए था और इसने 76.3 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये उस दौर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थी। फिल्म में करिश्मा कपूर पालन खेत जाती है और उसी दौरान उनकी मुलाकात राजा यानी आमिर खान से होती है। आमिर के स्वभाव से करिश्मा इंप्रेस हो जाती हैं और उन्हें दिल दे बैठती हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी में कई मोड़ आते हैं। फिल्म में आमिर और करिश्मा पर एक लिपलॉक सीन फिल्माया गया था। हाल ही निर्देशक धर्मेश दर्शन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस किसिंग सीन का जिक्र किया। धर्मेश के अनुसार करिश्मा सेट पर काफ़ी उत्साहित रहती थी और वो अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार थी। जब किसिंग सीन की बात आई तो वो इस पर बात करने में भी संकोच महसूस कर रही थी। करिश्मा छोटी थी और उन्होंने कभी किसिंग सीन नहीं किया था। धर्मेश ने आगे बताया, मैंने बबीता जी को बुलाया और पूरा सीन समझाया। मैं जानता था कि एक माँ ही अपनी बेटी को इस सीन को लेकर सही से समझा सकती थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान पूरे 3 बबीता जी साथ ही वहाँ पर रहती थी क्योंकि उन्हें जाने के लिए नहीं दिया जाता। इस सीन की शूटिंग के दौरान बबीता जी साथ ही रहा करती थी क्योंकि मैंने उन्हें जाने नहीं दिया था। करिश्मा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ये किस सीन फरवरी में ऊटी में शूट हुआ था और 3 दिन चला था। मैं और आमिर बस इस सीन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे।